और इस बीच दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी दादरी के न्यू शॉपिंग सेंटर की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कॉस्मेटिक की ये दुकान थी जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आग भयानक है। इस घटना में राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन लाखों का नुकसान इस आग ने जरूर कर दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत की और आग पर काबू पाया, नहीं तो आग बड़ी भी हो सकती थी और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। याद दिला दे आपको, ग्रेटर नोएडा के जारजा में एनटीपीसी का टाउनशिप का काम चल रहा है। यहाँ एक मॉल में एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी और उसके बाद आग इतनी भयानक फैली कि आप देखिए लपटे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।